नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का ये सेशन हम लोगों ने बनाया है एमपी सब इंजीनियर के कट ऑफ को लेकर। एमपी सब इंजीनियर 2022 का कट ऑफ क्या रहेगा। हालांकि हमने इसके लिए एक पोल डिसाइड किया था, उस पोल में लगभग 8,000-7,500 लगभग बच्चों ने पोल पे अपने कमेंट करे थे, अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो कट ऑफ डिसाइड किया है, एक तो वो माध्यम था और दूसरा माध्यम ये रखा है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से कट ऑफ रहा है। तो उस कट ऑफ को देखते हुए हम लोगों ने ये कट ऑफ आप लोगों के लिए बनाया है। फिलहाल मैं आपसे बात कर दूं यहां पर सबसे पहले कि प्रीवियस डेटा में कट ऑफ क्या रहा है। तो सबसे पहले 2016 में आपकी 625 वैकेंसी थी, तो 54,441 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, है ना। वहां पे कितने छात्र उपस्थित रहे, तो लगभग 43,186 छात्र उपस्थित रहे और कट ऑफ गया था 157 नंबर। 17 में देखते हो आप, वैकेंसी रही 1005 और 62,607 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। वहीं 54,811 बच्चे उपस्थित रहे और कट ऑफ गया था 164.54, क्योंकि पोस्ट कम थी, ठीक है ना। फिर 18 की बात करेंगे, 548 मात्र वैकेंसी थी और टोटल फॉर्म थे 55,042 और स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वहां पे 45,826, जबकि कट ऑफ गया 162.02। 2020 की बात करें तो 52 पोस्ट पे 18,003 लोगों ने फॉर्म भरा था, प्रेजेंट स्टूडेंट्स रहे 11,832 और कट ऑफ गया था 143.85। अब वर्तमान की बात करें 2022 में सिविल का जो कट ऑफ है, हम ध्यान देना यहां पर जो आपसे बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, सिविल ट्रेड के लिए बात करने वाले, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट जो मैक्सिमम वैकेंसीज थी वो किसके लिए थी, कौन सी ब्रांच पे थी, आपका सिविल ब्रांच पे ही रही है। तो ठीक है, तो सिविल की ही बात कर रहे हैं यहां पे। यूआर कैटेगरी पे अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, तो अनरिजर्व कैटेगरी पे 138 से 144 के बीच में मेल का कट ऑफ जाने की संभावना है। ये केवल मात्र एक संभावना है, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रिडिक्शन है, ये मात्र एक संभावना है, कोई निर्धारित निश्चित बात नहीं है, एक संभावना है। और फीमेल कैटेगरी का 125 से 128 के बीच में ये कट ऑफ रहेगा लगभग। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 133 से लेकर 139 और वहीं फीमेल कैटेगरी में 121 से लेकर 126 तक का कट ऑफ। एससी कैटेगरी में 121 से प्लस माइनस 5 कर लेना और फीमेल कैटेगरी में 110 से प्लस माइनस 5 कर लेना, यही आसपास रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 108 110 मतलब प्लस माइनस 5 कर लेना और यहां पे आपका 98 में या 97 में प्लस माइनस 5 कर लेना, ये कट ऑफ एसटी के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 128 से 135 और वहीं फीमेल का तो 125 से लेकर 133 तक के बीच में, ये हमारा जो प्रेडिक्शन था आपके पोल के हिसाब से वो प्रेडिक्शन रहा है, ठीक है। प्रीवियस कट ऑफ ये रहा है आपके यहाँ पर। और हम बात करें अब परीक्षा प्रो की, तो आप लोगों ने ये सब इंजीनियर का एग्जाम दे लिया, आगामी भी आप मध्य प्रदेश में बहुत सारी व्यापम की परीक्षाएं देंगे, तो उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे पास में चल रहा है परीक्षा प्रो। तो राज्य और केंद्र की परीक्षाओं के लिए हम सारी टेस्ट सीरीज एक जगह पर लाते हैं, मतलब अलग अलग टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार परीक्षा प्रो लेंगे सारी की सारी टेस्ट सीरीज एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है। आगामी जो भी एग्जाम लेटेस्ट आएगा वो भी आपको अपडेट होकर यहाँ मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी पूरे एक साल के लिए होती है, बायलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज होती है, तो ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको हमारी परीक्षा प्रो के नाम से मिल जाती है। अगर आपको हमारा चैनल या हमारी चीजें या क्लासेस अच्छी लगती हो तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप हमारी सारी क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। और अन्य किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Oh, I'm here.